بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته صدق الله العلي العظيم और बदलता सलाम हकीम का ये मकाम सुखन वो है कि जिसमें रब का जलाल रुबूबियत जाहिर हो। रुबूबियत में जलाल भी है जमाल भी है, लेकिन ये मकाम सुखन वो है, ये आयत वो है कि जिसका आगाज ही बताता है कि ये मकाम है इजहार जलाल रुबूबियत का। कुल्लन अगर इस फकीर की ये तबीर आपके जहन में महफूज हो जाए सो तो सोचते रहिएगा कि बेहसर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि इजहार जमाल रुबूबियत है और विलायत मुर्तजा इजहार जलाल रुबूबियत। अब खुद इस फकरे की तशरीह के लिए बहुत वक्त चाहिए। सिफात जलाल को सिफात जलाल क्यों कहते हैं, सिफात जमाल को सिफात जमाल क्यों कहते हैं, और ये फकीर क्यों अर्ज कर रहा है कि असल बेहसत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और सलावत पढ़ लीजिए। हुजूर की बेहसत रहमतुन लिल आलमीन की बेहसत जिनके लिए कुरान मजीद में यह कसीदा मौजूद है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको नहीं भेजा मगर आलमीन के लिए रहमत बना। और यही नहीं बल्कि शुरू से आखिर तक कितने मकामात हैं जहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
नाते लिखी हैं पैगंबर ने, परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में, इन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम, और इला माशाअल्लाह मुझे इस वक्त बहुत पुराना जुमला अपना याद आ रहा है कि ये कुरान मजीद कुछ इस सनअत में नाजिल हुआ है कि अगर पहली नज़र डालिए तो मालूम होता है कि अज़ अव्वल ता आखिर एक कसीदा तौहीदिया है, एक कसीदा हमदिया है। फिर इसी पे नज़र डालिए तो मालूम होता है कि अज़ अव्वल ता आखिर एक कसीदा नातिया है। फिर इसी पे नज़र डालिए तो मालूम होता है अज़ अव्वल ता आखिर एक कसीदा है मनकबत का, जो शान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का है। ये सब मकामात सुखन बहुत गौर और तामुल और तदब्बुर और तफक्कुर और तामुक चाहते हैं। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतर इजहार जमाल रुबूबियत है और विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का सलाम ऐलान इजहार तंसीस, ये इजहार जलाल रुबूबियत है। वाकई दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है कि मैं इस फकरे का, इस एक फकरे का हक अदा कर सकूं कि यहाँ जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जलाल रुबूबियत का इजहार है, इससे क्या मुराद है। इसमें बहुत सी ज़ाहरी और बातिनी बातें सामने आएंगी, लेकिन जो बिल्कुल सामने की बात है, जिसकी तरफ अक्सर खुतबा इशारा भी करते रहते हैं, जो बिल्कुल सामने की बात है वो इस आयत के अंदाज़े तखातुब से मुतालिक है। ये नुक्ता मशहूर है, मारूफ है, आप हज़रात के जहनों में भी होगा, नहीं होगा तो होना चाहिए कि हुजूर की शान ये है कि पूरे कुरान मजीद में हक सुबहानहु व तआला ने अपने जितने नबियों को पुकारा है बराहे रास्त उनका नाम लेके पुकारा है, या आदम, या नूह, या मूसा, या ईसा, जिसका नाम लिया है, इल्ला आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरे कुरान मजीद में कहीं हुजूर का नाम इस तरह नहीं लिया है या मोहम्मद। असल में पुकारने वाले का मकाम अलग है, जिसको पुकारा जा रहा है उसकी भी मंजिलत अलग है। तो परवरदिगार ने जहां भी अपने हबीब को पुकारा है अलकाब के जरिए, पाहा, यासीन, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दसर, जो हयात जो अंदाज हुजूर का है उसी अंदाज से पुकार लिया। यह है कमाल हुब, कमाल इश्क, कमाल महबूबियत। लेकिन अंदाज से, अदाओं से, सिफात से पुकारना यह भी उसलूब जमाल है। लेकिन ओहदे और मनसब के हवाले से पुकारना ये अंदाज दूसरा है। यहां पर मनसब के हवाले से पुकारा गया है, या अय्युहर रसूल, ए मेरे पैगंबर। यानी माफ कीजिएगा, ये बच्चों के समझाने के लिए है कि देखिए बड़ी सतह पर भी एक गुफ्तगू का अपनापन तो होता है ना। अब बस कीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने किसी मुल्क के
एम्बेसडर से गुफ्तगू कर रहा है, तो वो ये थोड़ी कहता है मिस्टर एम्बेसडर, अब वो नाम ले लेते हैं। लेकिन जब कहे मिस्टर एम्बेसडर, इसका मतलब कि कोई बात ऐसी है जो बड़ी अहमियत की है, जो ओहदे से ताल्लुक रखती है, ममलिकत के राज से ताल्लुक रखती है, किसी अहम पैगाम से ताल्लुक रखती है। यहाँ सूरत हाल ये है कि ना नाम लिया, ना किसी सिफत से पुकारा, ना किसी अदा से पुकारा, या अय्युहर रसूल, ए पैगंबर, और उसके बाद फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए मेरे पैगंबर पैगाम पहुंचा दीजिए। ये अंदाज ही अंदाज जलाल है। और आखिर आयत उसका मजीद सबूत फराहम करती है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िल इलैक मिन रब्बिक। अब देखिए, मैंने जो रब के साथ ये दो कलमे इस्तेमाल किए थे, जलाल रुबूबियत और जमाल रुबूबियत, इस आयत में भी लफ्ज रब है। ऐ रसूल पहुंचा दीजिए वो पयाम जो आपके ऊपर नाजिल हुआ है आपके रब की तरफ से। وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, और अगर आपने ये नहीं किया, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, तो आपने उसकी रिसालत ही नहीं पहुंचाई। बहुत मशहूर है आयत ये, आप में से अक्सर को याद है और अक्सर इन निकात की तरफ मुतवज्जह किया जाता रहता है। ये आयत कुरान मजीद में मौजूद है और मुफस्सिरीन ला माशाल्लाह हर साल 2-4-10 नई तफसीरें छपती हैं। जो लोग हमारी बात छोड़ दीजिए, हमारा नजरिया हमारा अकीदा तो मालूम है, लेकिन जो लोग इस आयत करीमा को रोज़े गदीर से मरबूत नहीं समझते और अम्र विलायत से मुतअल्लिक नहीं जानते, उनके लिए एक सवाल जरूर है। ये बताइए कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के ऊपर ये आयत कब नाजिल हुई और आखिर किस हुक्म से मुतअल्लिक नाजिल हुई? क्या बिल्कुल शुरू में नाजिल हुई थी? ये कौल कहीं नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल शुरू में जब बेअसत हुई है उस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी? नहीं, उस वक्त तो ये आयत नाजिल हुई थी वांदर हकीरतकल अक्रबीन, इक्रा बिस्मे रब्बिकल लज़ी खलक, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ये सब शुरू की आयतें हैं आवाज की। तो ये कब आयत नाजिल हुई आखिर? क्या है पैगंबर पहुंचा दीजिए पैगाम। मालूम हुआ कि ये बहरहाल आखिर की आयत है। अच्छा, तो मसला उलझ गया। ये बताइए कि कोई ऐसा हुक्म भी है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ हो रसूल ने ना पहुंचाया हो? कोई मुसलमान ऐसी कोई नजीर पेश कर सकता है, कोई मिसाल पेश कर सकता है, कोई मौका पेश कर सकता है कि कोई हुक्म अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ और हुजूर ने ना पहुंचाया हो? कोई ऐसा हुक्म, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, अमर बिलमारूफ नहीं अनिल मुनकर, इबादात से मुतालिक, मुआमलात से मुतालिक, कोई हुक्म जो हुजूर पर नाजिल हुआ हो और हुजूर ने ना पहुंचाया हो, मुमकिन है ये? पूरी उम्मत कहेगी कि ये मुमकिन नहीं है। जब कोई हुक्म नाजिल होता था फौरन हुजूर पहुंचा देते थे, और जब तक हुक्म नहीं नाजिल होता था
उस वक्त तक कोई बात पहुंचाते भी नहीं थे। दोनों बातें हैं और फरमाया जब नाजिल होता था तो पहुंचा देते थे और जब तक नाजिल नहीं होता था नहीं पहुंचाते थे। ये थी शान रिसालत, ये थी शान अमानत, ये थी शान सदाकत। तो मालूम है जब भी कोई पैगाम नाजिल हुआ, कोई हुक्म नाजिल हुआ, फौरन पहुंचा दिया। तो ये अचानक, ये लहजे के बदलने का तसव्वुर क्या है, ये सबब क्या है? ऐ रसूल पहुंचा दीजिए जो आप पर नाजिल हो चुका है। यही आयत है कि नाजिल भी हो चुका है और पहुंचाया नहीं है और अब मौका है पहुंचाने का। और हमारे आप इसे एक आयत के बुतून में क्या क्या है, आयत की करत तो कीजिए, बार बार पढ़िए तो सही आयत। ऐ रसूल पहुंचा दीजिए जो आप पे नाजिल हो चुका है, यानी नाजिल हो चुका है तो अब कौन सी चीज नाजिल हो चुकी है जो नहीं पहुंचाई? बड़ा सवाल है। और अब मौका यह है कि पहुंचा दीजिए। ये वो मकामात हैं कि आम मुफस्सिरीन, आम मुतर्जिमीन जितना भी दावा करें कि कुरान बहुत आसान है, हम अरबी डिक्शनरी देख के तर्जमा कर सकते हैं, वो हल नहीं कर सकते मकामात जब तक के सही रिवायात की तरफ रुजू ना करें। वो रिवायात जो अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से अच्छा, और फिर सवाल ही आगे बढ़ाता चलूं। पहला सवाल ये कि आयत कब नाजिल हुई? शुरू में बहरहाल नाजिल नहीं हुई, आखिर में नाजिल हुई। दूसरा सवाल किस हुक्म से मुताल्लिक है? तीसरा सवाल आखिर ये आयत नाजिल हुई तो रसूल ने इस आयत पे अमल किया या नहीं? अमल किया तो इस आयत के नाजिल होने के बाद कौन सा हुक्म पहुंचाया? अकीमुस्सलात के बाद मालूम है कि नमाज सिखाई, आतुज़्ज़कात के बाद मालूम है ज़कात सिखाई, वक़ातिलुल मुशरिकीन जिहाद सिखाया, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम रोजा सिखाया। और तुम्हारे यहां कुरान मजीद अज़्ज़वल ता आखिर पढ़ते चले जाए, जहां जो आयत जिस हुक्म से मुताल्लिक है, चाहे वो इबादात से मुताल्लिक हो या मुआमलात से मुताल्लिक, मालूम है कि इस आयत के बाद क्या बात सिखाई, क्या किया, क्या करने का हुक्म दिया। अब मुफस्सिरीन से पूछिए इतनी जबरदस्त आयत, ये अंदाज़े जलाल, ए रसूल पहुंचा दीजिए जो आप तक भेजा जा चुका है, और अगर आपने नहीं भेजा तो गोया पहुंचाया तो गोया रिसालत नहीं पहुंचाई, ऐसा पुर जलाल अंदाज खिताब, तो इसके बाद पैगंबर ने कुछ पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? खुद कुरान मजीद में तलाश करें। एक तरफ ये उसलूब है ऐ रसूल पहुंचा दीजिए, अगर आपने नहीं पहुंचाया तो गोया कुछ नहीं पहुंचाया। अच्छा, अब जब मिशन मुकम्मल हो जाएगा तो उसकी सनद भी तो मिलेगी। तो कुरान मजीद ही में हमें एक मकाम ऐसा मिलता है जहां सनद भी मौजूद है, जहां ये है اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا। आज हमने तुम्हारे ऊपर, आज हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे लिए नेमत अपनी तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस दीन इस्लाम से राजी हो गए।
लोग तो अफराद के लिए रज़ी अल्लाह ताला की दुआएं करते हैं, यहाँ तो परवरदिगार इस दीन से राजी होने का ऐलान फरमा रहा है। आज हम इस दीन से राजी हो गए। सवाल ये है कि वो पैगाम क्या था और ये रिवायत, ये इतनी बड़ी सनद किस अमर से मुतअल्लिक है? ज़ाहिर है आम मुफस्सिरीन के पास इसका कोई जवाब माकूल हो या ना हो, लेकिन खुद उनकी किताबों में भी और अहमे अहले बैत से इस्तेफादा करने वालों की किताबों में बकमाल वुदूह पूरी वजाहत के साथ मौजूद है कि यह अमर कोई अमर नहीं था इल्ला अमर विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम। और कोई जवाब नहीं है। जितनी भी आप हदीस की किताबों को खंगाल डालें, तफसीर की किताबों का मुताला करें, और कोई जवाब नहीं है इसके अलावा। यहाँ पर ठहर के एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अर्चन के दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है और बिना मेरी भी इख्तिसार पर है, इसलिए मैं बस एक दो नुक्ते ही की तरफ इशारा कर सकूंगा। जिस एहतमाम से परवरदिगार ने हुक्म दिया है, तकाजा इसका यह है कि हुजूर भी उसी एहतमाम से उस पर अमल करें। तकाजा ये जो चीज़ जितनी अहम होती है उसको उसी एतबार से उसी अहमियत के साथ पेश किया जाता है। तो देखना यह कि पैगंबर ने सबसे ज्यादा एहतमाम किस अमर को पहुंचाने में किया। यहाँ पर मैं दुआ करता हूँ और एक बेटा अपने बाप के हक में कर भी क्या सकता है बजुस दुआ। मैं अपने वालिद माजिद मरहूम मखफूर के लिए दुआ करता हूँ, परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये नुक्ता जो अभी अर्ज करना चाहता हूँ ये सबसे पहले उनकी जबान पर आया था और ये किताबचा शाया भी हो चुका है हिकमत तबलीग के अनवान से। और मैं बेटे होने की हैसियत से नहीं अर्ज कर रहा हूँ बल्कि मैंने न जाने कितनी किताबों का मुताला किया और कितने बुजुर्ग खुतबा से और उलमा से पूछा, लेकिन सब ने कहा कि नहीं, ये नुक्ता आपके वालिद ही का है, उससे पहले नहीं सुना गया। अब जाहिर है उसके बाद मैं भी तो एक बार पढ़ चुका हूँ और उनके पढ़ने के बाद और भी जाहिर है कि नुक्ते तो तोहफा बन ही जाते हैं, तो और हजरात भी यकीनन इस्तेफादा करते होंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने उन्हीं की ज़बान से खुद नजफ अशरफ में, करबला में और उसके बाद हिंदुस्तान में सुना और वो आपको आप तक मुंतकिल कर रहा हूँ। जिस एहतमाम से परवरदिगार ने हुक्म दिया था उसी एहतमाम से हुजूर ने पहुँचाया। और इसी को कहते हैं हिकमत तबलीग। अल्लाह हकीम है और पैगंबर भी मुअल्लिम हिकमत हैं। युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। अल्लाह हकीम है, उसने जो पैगंबर भेजा है वो भी मुअल्लिम हिकमत बना के भेजा है। तो हिकमत रब्बानिया और हिकमत नबविया का तकाजा क्या था कि पैगाम इस तरह पहुंचाया जाए कि पहुंचाने का हक अदा हो जाए। और तवज्जो रखिएगा इस जुमले की तरफ, बहुत से हजरात जो हर चीज पर बिदअत का फतवा दे देते हैं, तो जाहिर है कि महफिल गदीर के लिए भी सबसे ज्यादा सबसे बड़ा फतवा तो इसी महफिल पे लगता है कि ये बिदअत है। मैं अर्ज करूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह
अजीजा ने गिरामी याद रखिएगा, जो ये बात अर्ज कर रहा हूँ शायद इस मौके पर ये इससे पहले मैंने अर्ज नहीं की है कि हुजूर अगर हुक्म दे दें किसी चीज के लिए कि ये करो तो फिर वो करना सुन्नत है या वाजिब है या बिदअत, दो ही रुतबे हो सकते हैं। अगर हुजूर हुक्म दे दे तो वो वाजिब है, जब तक ये कोई करीना ना कायम हो कि ये वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है, तीसरी सूरत नहीं है। गौर फरमा रहे आप, जब हुजूर कहें ये करो तो वो चीज है वाजिब। अगर कोई ऐसा करीना कायम हो गया कि नहीं हुजूर ने कहा तो है करने के लिए लेकिन ये मुस्तहब है वाजिब नहीं है तो चलिए वो मान लेंगे, मगर वो करीना भी मालूम होना चाहिए मुअतबर ज़राए से। हुजूर ने जब पैगाम पहुंचाया अल्लाह ने हुजूर से कहा बल्लिग, तवज्जो रखिएगा, और हुजूर ने जब पहुंचाया तो फरमाया अला हल बल्लग, आगा रहो बताओ क्या मैंने पहुंचाया। सबने कहा बला या रसूल अल्लाह, अब फौरन आपने कहा फल युबल्लिग शाहिदुल गायब, तुम में से जो हाजिर है वो तबलीग करता रहे गायब तक। हमने तुम तक पहुंचाया, तुमने सुना, तुमने मुझे देखा, अब जो मौजूद नहीं है उन तक तुम पहुंचाते रहना, यानी कयामे कयामत तक एक नस्ल का दूसरे नस्ल तक मुंतकिल करना। यानी हम जो कम ये जो अमर अंजाम दे रहे हैं ये क्या है, तामील है हुक्म है पैगंबर। और जिस जलाल के साथ हक ने कहा था पहुंचा दीजिए, पैगंबर ने न सिर्फ ये के पहुंचाया बल्कि हुक्म दे दिया कि अब एक मर्तबा पहुंचा देना काफी नहीं है मेरा, तुम में से हर एक पर वाजिब है, फर्ज है, लाजिम है, नस्लन बाद नस्लन हर गायब तक ये हाजिर पहुंचा दे। ये इंतजाम, ये इंतजाम तो कयामत तक के लिए गोया जश्न गदीर मुनाकिद करना, मिंबर नस्ब करना, मिंबर पर खतीब का आकर इस हदीस का दोहराना कि पैगंबर ने हाथ में हाथ लेकर फरमाया था मन कुंत मौला फहादा अलीउल मौला, मैं आपको दुआएं दे रहा हूँ परवरदिगार इस जोश और जज्बे को सलामत रखे और उन माओं को सलामत रखे जो ऐसे बच्चों की तरबियत करते हैं।
हम वालिदैन को सलामत रखें, जैसे बच्चों की तरबियत का विलायत अली बहुत बड़ी है। इस कायनात में विलायत अली से बड़ी कोई नहीं। बाद तौहीद बारी तआला, बाद तौहीद बारी तआला और बाद वजूद मुबारक मुकद्दस मुस्तफा, इससे बड़ी कोई नेमत विलायत जिसका पहुंचाना अल्लाह ने नबी पर फर्ज किया और नबी ने हर एक पर फर्ज किया। यानी आपके ऊपर जिंदगी में जितने वाजिबात हैं, नमाज वाजिब है, रोजा वाजिब है, हज वाजिब है, जितने वाजिबात हैं उनमें से एक वाजिब ये भी है, कम से कम जिंदगी में एक बार किसी तक जरूर ये पैगाम पहुंचाना। सुनो, हम तक पहुंचा है ये पैगाम, सुनो हम तक ये पैगाम पहुंचा है कि रसूल हक ने फरमाया मन कुंत मौला फहादा अली अल्मौला। ये फर्ज है, फराइज में से। और अब आपको एक बात और अर्ज कर दूं, पांच वक्त की नमाजें वाजिब है तो बस उसके अलावा फिर ना कोई और नमाज तो नहीं है, है ना? वह ईद पर है, ईद कुर्बान पर है, ईद गदीर की नमाज है, नवाफिल हैं, नवाफिल मुरतबा रोजमर्रा के, नवाफिल गैर मुरतबा बहुत सी मुस्तहब नमाजें हैं। इसके मानी है कि नमाज एक हकीकत है जिसका एक मकदार वाजिब है, उसके अलावा बहुत सी नमाजें मुस्तहब हैं। इसी तरह विलायत अली का कम से कम जिंदगी में एक बार पहुंचाना वाजिब है और मुस्तहब जितना अदा करते रहो। कम से कम एक बार वाजिब है, जैसे हज कोई है तो ये कह दे कि एक मरतबा हज कर लिया तो दोबारा हज करना मुस्तहब नहीं है या जायज नहीं है या बिदात है। अगर एक मरतबा जिंदगी में हज कर लिया तो दोबारा हज में ना जाइएगा, बिदात है किसी में जुरत ये कहने की? कुरान मजीद में बेशक एक मरतबा वाजिब करार दिया गया है, जिनको इस्तेआत है उन पर पूरी जिंदगी में एक मरतबा वाजिब है हज, लेकिन क्या उसके अलावा हज नहीं कर सकते? अरे तौफीक हो तो हर साल जाए, सवाब है। हज के अलावा हर महीने उमरा करने के लिए जाएं, सवाब है। यानी कोई कैद नहीं है, जिस तरह हज की कैद नहीं है, जिस तरह ज़ियारत काबा की कैद नहीं है, उसी तरह जिक्र मौलूद काबा पर एक पहलू और, अभी मैंने वो नुकता अर्ज नहीं किया जो वाले जमा लिखता है, ये तो अभी जहन में आगे की बात अर्ज किया मैंने। ये तो हम पर फर्ज है कि हम कयामत तक दोहराते रहेंगे पैगाम हुजूर ने किस एहतमाम से पेश किया। तमाम उस वक्त की ममलिकत इस्लामी के हुज्जाज अरफात में जमा थे, हुजूर अरफात में भी पेश कर सकते थे ये पैगाम, अरफात में नहीं पेश किया, अरफात में नहीं सुनाया ये पैगाम। तवाफ खाने काबा के बाद मक्के ही में मस्जिदुल हराम में सुना सकते थे, वहां भी नहीं सुनाया।
जब हज मुकम्मल हो गया, रसूम हज सब के सब अदा हो गए और अब आप वापस तशरीफ ले जा रहे हैं मदीने की तरफ, तो उस मकाम पे आए जहां से मजमा बिखर रहा था, जहां से रास्ते अलग होते थे। देखिए इंतखाब की मसलहतें, जहां से रास्ते अलग होते हों वहीं बता दो कि जोड़ना कहां है। अब ये तारीखी हकीकत है, जो कोई एक कलेमा मुबालगा नहीं, कोई एक कलेमा मुबालगा नहीं। जहफा तक, जहफा के करीब मकाम खुम तक, मकाम गदीर है खुम, सिर्फ खुम इसलिए कहा पहली बार मैंने कि अभी आने से पहले जिस किताब का मुताला कर रहा था उसका नाम है सही है मुस्लिम, और उसमें खुम ही का लफ्ज है, गदीर का नहीं है, खुम का लफ्ज है। ये इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सही मुस्लिम में भी ये रिवायत मौजूद है, हजरत ज़ैद इब्न अरकम से ये रिवायत मौजूद है। तमाम सहाह और सुनन और मसानीद में मौजूद है। ये जुमला तो आपको याद होगा, इसी मेंबर से इसी मौके पर अर्ज कर चुका हूँ, हदीस है गदीर, और ये कलेमा, ये कलेमा तैयबा, ये कलेमा मुबारका, ये कलेमा तैयबा विलायत, मन कुंतु मौला फहादा अलीयुन मौला, ये इस तवातुर के साथ पहुंचा है कि कोई भी मुसलमान जिम्मेदार मुहद्दिस इसका इनकार नहीं कर सकता। और कुरान मजीद के मतन के बाद तमाम हदीस में सबसे मुतवातिर जो मतन पहुंचा है वो यही है, इससे ज्यादा मुतवातिर कोई जुमला नहीं है। यानी कितनी हदीसें हैं, हजारों, वैसे तो लाखों हैं, झूठी सच्ची मिला के लाखों में, और हदीस पैगंबर पे क्या क्या सितम हुआ है, क्या क्या जुल्म हुआ है। मुहद्दिसीन ने एक सितम तो ये किया है कि रिवायात की तख्तीह की है, तख्तीह यानी एक खुतबा पूरा कहीं नहीं मिलेगा हुजूर का, जुमले काट काट के बिखेर दिए, एक जुमला इस उन्वान के तहत तो एक जुमला उस उन्वान के तहत तो एक जुमला उस उन्वान के तहत, और बात कहीं की और किसी और उन्वान के तहत, मौजू कुछ है और सही बुखारी में जो कैप्शन है वो कुछ और है, कैप्शन कुछ और है, टाइटल कुछ और है, उन्वान कुछ और है, नीचे हदीस कहीं और की है और वो भी पूरी नहीं है टुकड़े। ये मशहूर बात है, ये कोई मैं पहली बार नहीं अर्ज कर रहा हूँ, ये जो इल्म हदीस के संजीदा तलबा हैं सब जानते हैं कि हदीस के टुकड़े कर करके बयान किए गए, वरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का कामिल तरीन और तवील तरीन खुतबा खुतबा गदीर है, जो तकरीबन एक मुहद्दिस के कौल के मुताबिक 30-32 सफहात पर मुश्तमिल है, और जो मतन किताब एहतजाज में है वो तकरीबन 12 सफहात पर मुश्तमिल है। तवील तरीन खुतबा हुजूर का, और मौका ऐसा था, देखिए ना जिस एहतमाम से आयत आई है, या अय्युहर रसूल बल्लिग़, ऐ पैगंबर पहुंचा दीजिए जो आप पर नाजिल हुआ है। इस आयत के नाजिल होने के बाद हुजूर ने मजमे को रोका, कहां? मैंने अर्ज किया मकामे गदीर खुम पर, जहां से रास्ते जुदा होते थे। और ये नहीं कि रुको ठहरो मैं कुछ कह रहा हूं सुन लो फिर आगे बढ़ना, ऐसा नहीं, कयाम फरमाया, ठहर गए, रुक गए मंजिल की,
और उसके बाद ये ऐलान कराया कि जो आगे बढ़ गए हैं उनसे कहो पीछे आए, जो पीछे रह गए हैं उनका इंतजार किया जाए। क्या गैर मामूली एहतमाम नहीं है? गैर मामूली एहतमाम है। अच्छा, इस पूरे किस्से को बाज अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वअतूब इलैह, बाज मुसन्निफीन और बाज मुकर्ररीन, बाज बाहितीन बहस करने वाले, वो इस पे उन्वान लिखते हैं हादिसा गदीर। जाहिर है उनके लिए हादिसा है। हमारे लिए मुजदा है, हमारे लिए नेमत है, हमारे लिए इनाम है, हमारे लिए इकराम है, हमारे लिए एजाज है, हमारे लिए तकमील है, दीन और ईमान की सनद है, उनके लिए हादिसा। पढ़ के आया हूँ तब अर्ज कर रहा हूँ। अरे देखिए, अब आपसे क्या छुपा हूँ, जब ऐसी ताबीरें ऐसे अल्फाज ऐसे फकरे पढ़ता हूँ तो क्या खून खोलता होगा, क्या गुजरती होगी, क्या कयामत गुजर जाती है तबीयत पर। उसके बाद कितना गुस्सा पी के सब्र करके बर्दाश्त करके यहाँ आता हूँ तो हंस हंस के आपसे बातें करता हूँ। अब अगर वो साहब खुद सामने आ जाएं जिन्होंने लिखा है हादिसा गदीर, तो मेरा उनके साथ क्या रवैया होना चाहिए। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। और हमारे यहाँ क्या 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 किया जा सकता है, किस कदर सब्र करना पड़ता है, किस कदर तहम्मुल से काम लेना पड़ता है। बहरहाल तो वहां रोका ठहराया सबको, और उसके बाद एक तवील खुतबा इरशाद फरमाया नमाज जोहर के बाद, जोहर असर नमाज मिलाकर पढ़ी, और उसके बाद खुतबा इरशाद फरमाया। मैं अर्ज करूं, जो लोग हमसे पूछते हैं कि तुम लोग नमाजें मिला के क्यों पढ़ते हो, हम रसूल की सुन्नत गदीर पे अमल करते हैं। हम हर नमाज हर रोज जोहर असर मिला के इसलिए पढ़ते हैं ताकि गदीर भुलाई ना जाए। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। जोहर रिवायत में जोहर असर मिलाकर पढ़ी, उसके बाद खुतबा इरशाद फरमाया यहाँ तक के मगरिब का वक्त हो गया, और फिर मगरिब और इशा नमाज मिलाकर पढ़ी। मदीने में भी पढ़ी है हुजूर ने नमाजें मिलाकर, खुद हज के अय्याम में, अरफात में और मुज़दलिफा में मगरिब और इशा मिलाकर वहाँ नमाज पढ़नी है, और जोहर असर मिलाकर वहाँ नमाज पढ़नी है, वो अपनी जगह। लेकिन गदीर भी वो मकाम है जहाँ हुजूर ने जोहर असर मिलाकर नमाज पढ़ी और मगरिब और इशा मिलाकर नमाज पढ़ी। बहरहाल उसके बाद खुतबा इरशाद फरमाया, पवित्र तरीन खुतबा है, और उसमें शुरू से लेकर जो कुछ अकीदे और अमल से मुतालिक पैगामात इलाही हैं सब पहुंचाए, फिर दोहराए, और हर बात पे कहते रहे अला हल बल्ला, क्या हमने पहुंचा दी बात खुदा की तुम तक, क्या हमने तबलीग कर दिया, पहुंचा दिया तुम तक, तबलीग कर दी हमने, इब्लाग का फरीजा अदा कर दिया हमने, और सब के आखिर में फिर आपने विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हुक्म रब्बानी पहुंचाया, और सिर्फ पहुंचाया ही नहीं, बस अब ताकत मेरी साथ छोड़ रही है, लेकिन मैं वो मकाम वजाहत से अर्ज कर दूं, पहुंचाया ही नहीं बल्कि खुतबे की तकमील के बाद
एक खैमे में, मखसूस खैमे में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया कि वो बैठे, तशरीफ फरमाओ, और सबसे कहा जाकर अली की बैअत करो और अली पर सलाम करो, ये कहकर अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, ऐ अमीरुल मोमिनीन आप पर सलाम हो। इस एजाज और इस इकराम और इस एहतराम का तसव्वुर कीजिए कि रसूलुल्लाह खुद मौजूद हैं और हुक्म फरमा रहे हैं कि अली को अमीरुल मोमिनीन कहकर सलाम करो। और अच्छा, जितना मजमा था पूरे मजमे को हुक्म दिया, बहुत सी और जुजियात हैं यहां पर, ये पूरा अमल एक दिन में मुमकिन नहीं था कि पूरा हो जाता। तो ये किसी और की रिवायत नहीं बल्कि मुअर्रिख तबरी की तरफ मंसूब है ये रिवायत, तबरी ने और दूसरों ने भी नकल किया है कि एक दिन नहीं कयाम रहा गदीर में, मकाम गदीर खुम में 3 दिन कयाम फरमाया। अच्छा, अब यहाँ पर वालिद माजिद का जुमला दोहरा रहा हूँ मैं आपके सामने, वो जमाना जहाँ रास्ते कदम कदम नपे हुए थे, जहाँ मालूम था कि मदीने से मक्के जाने वाला कितने दिन में पहुंचेगा, मक्के से चलने वाला मदीने कितने दिन में पहुंचेगा, मक्के से ताइफ जाने वाला कितने दिन में पहुंचेगा, मक्के से यमबुअ जाने वाला कितने दिन में पहुंचेगा, मुख्तलिफ हर हर शहर हर करिए हर कस्बे का आदमी जानता था कि कितने दिन में हाजी वापस आएगा। उन्होंने अपना अंदाजा रखा होगा, और अब जब पैगंबर ने 3 दिन और रोक लिया तो अब हर एक की क्या कैफियत रही होगी, हर एक को फिक्र होगी कि भाई हमारा भाई हज के लिए गया था वापस क्यों नहीं आया, हमारे वालिद हज पे गए थे वापस क्यों नहीं आए, हमारा बेटा हज पे गया था वापस क्यों नहीं आया, हमारा शौहर हज पे गया था वापस क्यों नहीं आया, हर एक को, हमारा दोस्त हज पे गया था वापस क्यों नहीं आया। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा होगा इंतजार की कैफियत बढ़ती चली जा रही होगी। एक दिन गुजरा, परेशानियां बढ़ी, रात गुजर गई, परेशानियां और बढ़ी, दूसरा दिन पूरा गुजर गया, परेशानियां और बढ़ी। आप गौर फरमा रहे, वो जमाना जब मीडिया, सो कॉल्ड आज का मीडिया मौजूद नहीं था, जब टेलीविजन मौजूद नहीं था, जब रेडियो मौजूद नहीं था, जब प्रिंट मीडिया मौजूद नहीं था, और नामनिगार हजरात मौजूद नहीं थे उस तरह के, उस जमाने में पैगंबर को हुक्म अल्लाह ने दिया था पहुंचा दो, पैगंबर ने जमाने का इस्तेमाल इस तरह किया, साहेब जमा थे ना, जमाने का, जमान और मकान का इस्तेमाल इस तरह किया है कि 3 दिन रोक कर पूरे आलम इस्लाम में वो इंतजार की कैफियत पैदा कर दी कि हर शख्स मुतजस्सिस था, हर शख्स मुतफक्किर था, हर शख्स को फिक्र लाहिक हो गई थी आखिर जाने वाला वापस क्यों नहीं आया, जाने वाला वापस क्यों नहीं आया। अब 3 दिन के बाद फितरी माहौल ये बन गया था कि जब कोई आए तो पहला सवाल ये हो देर क्यों हुई, और आने वाले के पास इसके सिवा कोई जवाब न था कि पैगंबर ने रोका था एक पैगाम पहुंचाने के लिए, अल्लाह ने कहा था पहुंचा दो, पैगंबर ने इस तरह पहुंचाया कि हर जबान पर ये पैगाम जाए। पूछता था देर क्यों हुई, जवाब क्या था, रसूल ने रोका था, फिर रसूल ने किस लिए रोका था, एक पैगाम देने के लिए, वो पैगाम क्या था, पैगाम ये था कि हुजूर ने फरमाया कि मन कुंत मौला फहादा अली मौला।
मैं जिस जिस का आका हूँ, मैं जिस जिस का हाकिम हूँ, मैं जिस जिस का सरपरस्त हूँ, मैं जिस जिस का मौला हूँ, बस ये अली उसके मौला हैं। अब इससे ज्यादा गुफ्तगु नहीं करूँगा, मैंने पहुँचा दिया, आप गवाही दीजिएगा। लेकिन बस एक जुमला और अर्ज करके गुफ्तगु खत्म करूं, ये तो अल्फाज पहुंचा दिए मैंने, मानी में जो बहस लोग करते हैं उसका क्या किया जाए। तो मैं अपना ही पिछला जुमला अर्ज कर सकता हूं जो इससे कबल अर्ज कर चुका हूं कि भाई ये अपने अपने ज़ौक की बात है, ये अपनी अपनी फहम की बात है। लफ्ज पर इत्तेफाक है ना, तमाम आलम इस्लाम, तमाम मुहद्दिसीन, इमाम बुखारी से लेकर इमाम मुस्लिम से लेकर इमाम अबू हनीफा जैसे फकीह से लेकर और जनाब वाला इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्ने हंबल, इमाम औज़ाई, इमाम खुज़ाई, जितने हैं, जितनों का आप नाम ले सकते हैं, सब मुत्तफिक हैं कि हुजूर ने ये अल्फाज फरमाए। ठीक है ना, ये अल्फाज हुजूर ने फरमाए। अब ठहर के एक बात तो खत्म करने का जी चाह रहा है, मगर एक मसला मिसाल के तौर पे अर्ज कर दूं ताकि उसका भी अमली फायदा होगा। देखिए, मुज्तहिदीन की राय में इख्तिलाफ क्यों होता है? फुकहा मुज्तहिदीन उनकी राय में इख्तिलाफ क्यों होता है? फहम हदीस की बिना पर, कौन किस जुमले से क्या समझा। वाज़े है, इसकी मिसाल सबसे मशहूर क्या है? सबसे मशहूर मिसाल जो दी जा सकती है मुब्तला पे रोयत हिलाल का मतलब, हर साल चांद का मसला होता है कि जनाब वाला ईद कब होगी। रोयत हिलाल के मसले में जुमला बस ये है कि सुम लिर्रोया वफ्तुर लिर्रोया, रोयत हो जाए तो रोजा रखो और रोयत हो जाए तो ईद कर लो, जुमला यही है। अब इसे लोग क्या समझे, इसमें कहीं उफुक वगैरह नहीं है, ये तो इल्म हयात से कर्ज ले लिया गया। लेकिन जाहिर है कि जो उलूम मुतदावल हैं, जो हमारे दरमियान उलूम राइज हैं, उन्हीं की रोशनी में तो अपने परवान चढ़ती हैं। तो अब एक शख्स ने यह समझा कि हुजूर ने यही तो फरमाया कि जब चांद नजर आए तो रोजा रखो, जब चांद नजर आए तो ईद करो। मैं लंदन में रहता हूं, लंदन के उपभोग पे चांद नजर नहीं आया तो मैं ईद कैसे करूं? ये यही समझता है कि नजर आने के मानी है कि जिस उपभोग में मैं हूं उस उपभोग पे नजर आना चाहिए। दूसरा ये समझता है, वो इस हदीस की मुखालिफत नहीं कर रहा है, वो कह रहा है भाई यही तो है कि नजर आ जाए तो ईद करो। नजर आ गया, लंदन में नजर नहीं आया, तेहरान में नजर आ गया, नजर आ गया, लंदन में नहीं नजर आया, पेरिस में नजर आ गया, फ्रैंकफर्ट में नजर आ गया, कहीं और नजर आ गया, नजर आ गया या नहीं, यानी नए चांद की विलादत हो गई, बस इतना काफी है। अगर साबित है कि हो गया तो बस हुजूर के अमल पर इरशाद है, इरशाद पर अमल है। और समझ रहे दोनों को ये कयामत तक चलता रहेगा इख्तिलाफ। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपस में वो सकाफत पैदा कीजिए, जहनों की और मिजाजों की तरबियत ऐसी कीजिए कि इन बातों पे लड़ाई ना हो, इन बातों पे झगड़ा ना हो, इन बातों पे घरों में खलफिशार ना हो, इन बातों पर सोसाइटी में खलफिशार ना हो। दो फहम है, जुमला एक, इस जुमले की मुखालिफत कोई नहीं कर रहा है, इस जुमले को रद्द कोई नहीं कर रहा है, मगर इस जुमले की फहम के मुताबिक अमल कर रहा है। एक के लिए साबित है, एक के लिए साबित नहीं है। गौर फरमाया आपने, तो जहनों की और मिजाजों की तरबियत की जरूरत है। लेकिन ये मिसाल जहन में रहे, ये मिसाल जहन में रहे,
इससे करीब तक बात है जो मैं कह रहा हूं, अगर जो वहां किसी को राह मफर मिलेगी नहीं। हुजूर ने यही तो कहा है, मन कुन तो मौला फहादा अली मौला। आप बताइए कहा है या नहीं? जी बिल्कुल कहा है। तो आप मौला के क्या मानी समझते हैं? अब ये अपनी अपनी समझ की बात है। अली को क्या समझते हैं ये समझने से पहले ये बताना होगा मोहम्मद को क्या समझते हैं। मसला ये है कि आप मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को क्या समझते हैं। यही वो मंजिल है जहाँ राह मफर मिलेगी नहीं। आप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह अल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल समझते हैं, नबी समझते हैं, हाकिम समझते हैं, आका समझते हैं, शफी समझते हैं, मौला समझते हैं, या अपना यार गार समझते हैं, सिर्फ एक दोस्त समझते हैं? और फरमा रहे हम आप जो भी समझते हो वो आपकी समझ। हम मुस्तफा को मौला इस माना में समझते हैं कि मुस्तफा हाकिम हैं, मुस्तफा शफी हैं, मुस्तफा आका हैं, मुस्तफा सरपरस्त हैं। और जब हमने मुस्तफा को हाकिम माना और उनकी जबान मुबारक से सुना कि बन कुन तो मौला फहादा अली मौला, हमने वही तय कर लिया, अगर मेरे हाकिम मोहम्मद हैं तो अली भी मेरा हाकिम है, अगर मेरे मौला मोहम्मद हैं तो अली भी मेरा मौला है, अगर मेरे आका मोहम्मद हैं तो अली भी मेरे आका। अल्फाज भी पहुंचा दिए मैंने और मानी भी आप तक पहुंचा दिए। अब दस्ते दुआ बदल करते हैं। रब्बना इन्ना समिअना मुनादियन युनादी लिल्ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار। परवरदिगार हमने मुनादी की निदा सुनी है, परवरदिगार हमने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की निदाए मुबारक सुनी है, परवरदिगार हम ईमान लाए हैं, परवरदिगार हमारे गुनाहों से चश्मपोशी फरमा, परवरदिगार हमारी मग़फ़िरत फरमा, परवरदिगार हमें कुव्वत अता फरमा, ताकत अता फरमा कि हम नस्लन बादा नस्लन तेरे इस पैगाम को आगे बढ़ाते रहें। परवरदिगार इस नेमत विलायत के आखिरी अमानतदार को इज़्ने ज़ुहूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत और आफत और अदालत का परचम लहरा दे।